बढ़ते आगे रुकर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। दरअसल हनुमान जयंती के मद्देनजर ये एडवाइजरी जारी की गई है। हनुमान मंदिर पर भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बाबा खड़क सिंह मार्ग बाहरी सीसी कनॉट प्लेस पंचकुंडिया रोड पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। दरअसल कई अलग अलग रास्तों को लेकर के ये एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह एडवाइजरी जारी की है। दरअसल आपको बता दें कि आज हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसके चलते ट्रैफिक को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। पंचकुंडिया रोड से जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है हनुमान जयंती के मद्देनजर। ये एडवाइजरी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी की गई है। हनुमान मंदिर पर भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हनुमान जयंती के मौके पर राजधानी में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होना है, और ऐसे में हनुमान जयंती के मौके पर भीड़ बढ़ने की संभावना है, जिसको लेकर के दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कई रास्तों से जाने के बचने की सलाह दी है कि इन रास्तों पर ना जाएं, चूंकि हनुमान मंदिर के चलते हनुमान मंदिर में कई जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हनुमान जयंती है आज, और इसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और इसको लेकर के ही दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ रास्तों को हालांकि डाइवर्ट किया गया है, वहीं कुछ रास्तों पर जाने से बचने की सलाह जनता को दी जा रही है। भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है। पंचकुंडिया रोड पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही बाबा खड़क सिंह मार्ग बाहरी सीसी कनॉट प्लेस पर भी जाने से बचने की सलाह दिल्ली पुलिस की तरफ से दी गई है। हनुमान मंदिर पर भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, चूंकि हनुमान जयंती है और इसके मद्देनजर एडवाइजरी दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी की गई है। बता दें कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है, चूंकि हनुमान जयंती है आज, और इसको लेकर के राजधानी भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस की तरफ से हनुमान जयंती के मौके पर एडवाइजरी जारी की गई है। हमारे साथ सहयोगी अजीत लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत, आज हनुमान जयंती है, राजधानी भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होना है, और इसको देखते हुए भीड़ बढ़ने की संभावना को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्योंकि आज हनुमान जयंती है और मंगलवार भी है, ऐसे में आज हम कनॉट प्लेस में हर कनॉट प्लेस में देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे खड़क सिंह मार्ग पे जो प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पे लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, और देखिए बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो आपको देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों से हमने बात भी किया और उन्होंने बताया किस तरीके से जो है वो सुबह से ही यहाँ पर पहुँच रहे हैं लाइनों में। 4 बजे से सुबह लोगों से पहुँच रहे हैं यहाँ पे और भगवान के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं, और इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने जो है आज ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी किया है, जिसमें बाबा खड़क सिंह मार्ग पे जो आने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई। कनॉट प्लेस सर्कल पे जो भी लोग वाहन लेकर अगर चल रहे हैं तो वो जो है ट्रैफिक एडवाइजरी को देखकर ही निकले, नहीं तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देखिए जो ये बाबा खड़क सिंह मार्ग है, और यहाँ पर देखिए जो वाहनों का आवागमन है वो भी किस तरीके से फिलहाल जो है वो धीमा पड़ गया है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रयास जरूर किए जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मार्ग को सुचारू रूप से चलाया जाए, और पहले भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि इस मार्ग पर जो है सुबह के वक्त जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है, और तकरीबन 1000 से 10000 लोगों के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई थी, ताकि लोग जब यहाँ पर पैदल पहुँचे तो उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसके बाद भी जो लोग वाहन लेकर आ रहे हैं उनको ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है उन्हें अलग अलग जगहों पर खड़ा करवाया जा रहा है, और जो बिना परमिशन के वाहन खड़े करके जा रहा है उसके वाहन को टो भी किया जा रहा है पुलिस की ओर से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक।